वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं माइक ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप दुनिया के साथ, और ऑफ कोर्स अब से कुछ देर बाद मैच शुरू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। न्यूजीलैंड की टीम के साथ हमारी कमेंसुरेशंस, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो वो वैसे ही सेंसिटिव प्लेयर्स हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं, और फिर इतनी बड़ी नेचुरल कैटास्ट्रोफी हुई है क्राइस्टचर्च में ऑब्वियसली इन अर्थक्वेक की वजह से 131 और डेथ्स अभी तक रिपोर्ट हुई है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो ऐसी है नहीं, न्यूजीलैंड की टीम के जितने भी ऑफ फील्ड इशूज़ हैं उनको बिल्कुल एक तरफ करके दे विल जस्ट गो टू द मैच एज इफ नथिंग हैपेंड। ये सेंसिटिव चैप्स हैं, छोटे छोटे ड्रेसिंग रूम का एटमोसफेयर अगर ख़राब हो जाए तो तब भी रिफ्लेक्ट, छोटी छोटी बात पर इनको निकल दो परेशानियाँ होती हैं। सो डू यू थिंक दे कैन रियली कोप विल प्रोफेशनलिज्म? आई एग्री। और देखिए, बड़ा स्ट्रेंज चीज़ है कि बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है ये ऑस्ट्रेलिया की, और जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो बड़े हार्ड नट्स टू क्रैक हैं और बड़े एरोगेंट हैं, और जब आप इनके नेबर्स की बात करते हैं तो बहुत सॉफ्टीज। लेकिन आई थिंक जो हमने शुरू में बात की थी कि यू नो दे कुड टेक द इंस्पिरेशन हासिल करके यहाँ से कि जी हमने अच्छा करना है, जो वहाँ पे लोग जो हैं वो मुसीबत में घिरे हुए हैं उनके मुंह पे स्माइल लाने के लिए वी हैव टू डू समथिंग। तो आई थिंक ये इंस्पिरेशन जो है वो जो सॉफ्टी वाला एलिमेंट है उसको निगेट करेगी और स्ट्रॉन्गर आप परफॉर्मेंस की उम्मीद। अभी एक चीज़ जो विकी पॉन्डिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, आई थिंक इट वाज वेरी ब्यूटीफुली सेड, कि जितनी जिस जगह पे हम इनकी मदद कर सकते हैं वी आर देयर, दे आर नेबर्स, दे आर लाइक ब्रदर्स, लेकिन मैच के ऊपर कोई लेट ऑफ्स नहीं है, और आम बैंड्स के ऊपर वो ब्लैक बैंड्स भी मांगेंगे जस्ट टू शो देयर कमिसरेशन। सो आई थिंक दिस इज द स्पिरिट जो होनी चाहिए वर्ल्ड कप में, और इनके पास न्यूजीलैंड के पास भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स आगे परफॉर्म करें एंड पुट अ लिटिल स्माइल जितनी भी जहाँ भी हो सके बैक। देखिए, सॉलिडारिटी दिखाने की तो जरूरत, उन्होंने बिल्कुल सही बात की, नेबर्स हैं, लेकिन इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ वर्ल्ड कप, बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है ये पूरी दुनिया में, तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई इनको मार्जिन नहीं मिलेगा, विल प्ले द गेम हार्ड, और होना भी यही चाहिए। एंड दे विदाउट द फिजियो, सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर थिंग, बट लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल सो फार, अब तक जो इस पूल का है, इस ग्रुप का, एंड ऑब्वियसली न्यूजीलैंड रनिंग द शो विद अ बिग थंपिंग मार्जिन, विक्ट्री जो उन्होंने की थी अगेंस्ट ऑफ कोर्स अ वेरी वीक साइड ऑफ केन्या। सो दे प्लेड वन मैच, इज 1-1 विद 7.62 प्लस का नेट रन रेट है, विद 2 points पाकिस्तान प्लेस एट नंबर 3, श्रीलंका एट नंबर 2 विद रन रेट, बट देन ऑस्ट्रेलिया गोकिन के भी बड़े मैचेस बाकी हैं, बट दे आर प्लेस्ड एट 4th राइट नाउ, और केन्या के 2 matches हो गए, बाकी सारों का 1-1 हुआ है। सो वर्ल्ड कप इज वेल अलोंग द वे, और अगले 3-4 दिनों में पॉइंट्स टेबल जो है वो पर्पसफुल और मीनिंगफुल होना शुरू हो जाएंगे। और आज के मैच में जो आपने नेट रन रेट देखा न्यूजीलैंड का 7.62, उसके काफ़ी ज़्यादा नीचे आने के चांसेस है अगर ये अच्छा ना खेले। तो रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, अगर ओपनर्स अच्छा नहीं खेले तो हमें काफ़ी वाजिया जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। व्हाट वुड बी द फिलॉसफी? ऑब्वियसली देयर इज मॉइस्चर जिसकी वजह से रिकी पॉन्टिंग ने उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। We know के मार्टिन गुप्तल has come, is in good form, और अपनी शॉट्स खेलते हैं। ब्रैंडन मैकलम को दोबारा से उन्होंने भेज दिया है ओपनर के रोल में, बिकॉज वो नीचे नहीं परफॉर्म कर सके। बैक ऑफ द माइंड उनको ये भी होगा कि हम कहीं अपने बहुत बड़े हिटर को लूज ना कर जाएं। सो क्या फिलोसफी होगी न्यूजीलैंड को इस अटैक को इन कंडीशंस में कंट्रोल करने? देखिए अली, ये जो डिसीजन किया है वो इसीलिए किया उन्होंने, पहले बैटिंग कराएं, ये एलिमेंट इनके जेन में होगा कि भाई अगर उन्होंने फैसला किया है तो हमें थोड़ा सा कॉशियस जाके खेलना है, अपने स्ट्रोक्स को ब्लॉक करना है। गप्टल तो ये आराम से कर सकते हैं, मैकलम के साथ ये चीज़ आप एसोसिएट नहीं कर सकते, तो वही कि ये शुरू में गलती करवाना चाह रहे हैं। इनको यही है कि नॉर्मल क्रिकेट खेलें जिस तरह ओपनर्स खेलते हैं, शुरू में जो है अच्छे गेंद को रिस्पेक्ट दें, बुरे गेंद के ऊपर जाना ज़रूर है आपने, आपने रन्स हासिल करने की कोशिश करनी है, फिर जाके जो है वो चैलेंज आप कर सकेंगे ऑस्ट्रेलिया को। अगर आपने बिल्कुल ही अपने आप को बॉक डाउन कर लिया और बिल्कुल स्कोर का सोचा ही ना, सरवाइव करने की कोशिश की, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए। अभी नागपुर की विकेट है, ऑब्वियसली इसमें इनवेरिएबल बाउंस तो नहीं होगा, बाउंस तो कंसिस्टेंट ही होगा, हाँ मूवमेंट उनको मिलेगी, सो दे कैन रियली बैक देमसेल्व्स अप। और अगर ये 260-270 के स्कोर पर चले जाते हैं तो डू यू थिंक कि ये चैलेंजेबल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, गिविंग उनकी बैटिंग फॉर्म? विकेट बेहतर हो जाएगी, इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं करेगा, वही चीज़ आ जाएगी कि इनको विकेट्स हासिल करनी होंगी और कौन से बॉलर इनके विकेट हासिल कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ एडवांटेज में है न्यूजीलैंड के कि वो न्यूजीलैंड में घर में जब क्रिकेट खेलते हैं तो मोस्टली जो पिचेस हैं वहाँ पे वो सॉगी होती हैं,
उसके ऊपर गेंद जो है ग्रिप करता है और शुरू में काफ़ी ज़्यादा मूव अराउंड करता है। तो मेरे ख्याल में गप्टिल को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि वो शुरू में मैकलम को इतना ज़्यादा एक्सपोज ना करें ऑन स्ट्राइक, और अगर उनको करते भी हैं तो फिर उनके साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। आई गिव यू एन एग्जांपल, हमें पे जो अभी मैचेस हुए हैं इंग्लैंड के, उसमें आपने देखा कि एंड्रयू स्ट्रॉस ने सारी स्ट्राइक रखी, ही वाज हिटिंग मोर देन 100 स्ट्राइक रेट था उनका, और साथ में केविन पीटरसन जिनसे शॉट्स नहीं लग रही थी वो आराम आराम से खेल रहे थे। सो दैट फिलॉसफी इज देयर। अब देखें ना, ये अगर उन्होंने, हमने यही बात की थी कि वो स्ट्रॉस ऊपर क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि खुद भी फेल हो रहे थे, नीचे वाले बैट्समैन जो थे वो थोड़े से वीक थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, पीटरसन को ऊपर लेके आए कि ये ऑपोजिशन के ऊपर अटैक करेंगे, उनका थोड़ा सा डिफेंसिव मोड हो जाएगा, और उसमें ये है कि जब ये पीटरसन के सामने बॉल करेंगे तो डिफेंसिव बॉलिंग करेंगे, जब मैं सामने आऊँगा एज ए कैप्टन स्ट्रॉस जो फॉर्म में नहीं है तो ये मुझे अटैक करेंगे, और वहाँ पर मैं अच्छा खेल जाता हूँ, मेरे लिए एक दो स्लिपर रखेंगे, फील्डर ऊपर रखेंगे, वहाँ पर मैं दो चार चौके मार देता हूँ, तो एकदम से मेरा भी कॉन्फिडेंस आएगा और टीम के लिए भी अच्छा होगा। तो इट वाज अ वेल थॉट प्लानिंग और पे किया है। बिल्कुल ठीक है। नाउ अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जो है वो ही इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, और जब उन पे प्रेशर आएगा ही इज बाउंड टू मेक मिस्टेक्स दिस टाइम अराउंड, एंड वी आर वेटिंग के कब ऑस्ट्रेलिया जो है अपने वर्ल्ड कप की विनिंग स्ट्रीक्स को लूज करेगा, क्योंकि अब तक 23 मैचेस हो गए स्ट्रेट विन्स इन द वर्ल्ड कप्स। आमिर भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह इस फर्स्ट इनिंग्स के बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Every night and day, every game you play, come to glory now, make history now. Raise your head so high, shout and touch the sky. Your dreams, your destiny, celebrate victory.